السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. ولا عدوان إلا على الظالمين. والعاقبة للمتقين. عباد الله الصالحين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده. لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده صلى الله عليه وعلى إخوانه جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وأصحابه مختارات ثاني البحر وصف البحر دريا في تصوير كشي رساله للصاحب ابن عباد الى ابن عميد صدرت عن كتابه اليه في وصف البحر يا صاحب ابن عباد کا خط ہے جو इबन अमीद को लिखा गया है सदारत और ये जवाब गया है उनके खत का जो उन्होंने साहिब इबन अब्बाद को लिखा था दरिया की तस्वीर कशी और उसका नक्शा खींचने के सिलसिले में दरिया के हालात बयान किए गए थे उस खत में तो उसके जवाब में साहेबीब ने अब ने एक खत लिखा सौदारा अन के मायने होते हैं वापस जाने के दरिया में पानी पीने आए फिर वापस जाए वरद बहरा व सदारा अनिल बहर वरद अल मौरिदरदल मनहल व सदारा अनिल मनहल तो चूंकि वापस जाने के मायने में है तो पहले उनका खत आया था ये खत रिटर्न जवाबन था तो इसलिए सदारत के मायने होंगे यानी ज़हारत जवाबन जवाबन ये जवाब जवाबन ये खत लिखा गया है वसौला किताबुल उस रईसरन अंशतुल बहरी कहते हैं उस्ताद रईस का हवतुल उसताज का खत पहुंचा न इस हाल में के वो साहिल समुंदर से वापस आए थे तो ये मुजाफिले की सिफत है मुजाफिले का हाल है अल उस्ताद का हालांकि हाल तो असल का बनता है नहीं, किताबों का बनना चाहिए तो अगर किताबों का हाल बनेगा तो मतलब ये होगा कि ये खत आया है साहिल समुंदर से तो गया कि साहिल समुंदर ही पर लिखा गया था लेकिन अगर अल उस्ताज का हाल बनाएंगे तो उसताज रईस इस हाल में कि वो साहिल समुंदर से लौट कर आए थे तो उस वक्त उन्होंने ये खत तहरीर किया और ये खत मेरे पास पहुंचा तो चुके असलन तो अल उस्ताज ही हैं फाइल इसलिए आप इसको इस तावील में कर सकते हैं कि उस्ताज़ रईसू हाज़ल किताब इलिया बेवस्फी और ये खत मुश्तमिल है मा शाह ही उन उनयबाद के बयान पर जो उन्होंने समुंदर के अंदर मुशाहिदा फरमाए बेवस्फी यानी अला ये खत मुश्तमिल है बयान करने पर माशादा उन चीजों का जो उन्होंने मुशाहदा फरमाई मिन अजाइबी समुंदर के अजयबात में से यानी समुंदर के अजायबाद जो उन्होंने मुलाहजा किए इस खत में उनकी तस्वीर कशी की है वह आन मारा की भी और जो समुन्दर की सवारियां उन्होंने देखी उनको बयान फरमाया है व वो और जो उन्होंने मुलाजा फरमाया मता आला तही के ये मिन बयानी यह है तो के के मायने में आप इसको ले लीजिए उर्दू में कैसे तफसीर होती है अरबी में, में जो उन्होंने देखा के मंता आला ती समर के आला मतलब समुंदर के जराए सफर सवारियां कश्तियां और छोटी कश्तियां बड़ी कश्तियां वो सब समुद्र के आलाते सफर हवाओं की कैसे ताबेदारी करते हैं ही कई और जिस तरह भी हवा उनको चाहती है वैसे ही वो घूम जाते हैं जिधर हवा ले जाती है उधर ही वो चले जाते हैं अदावाती ही ये हा गलत मालूम हो रहा है इसलिए कि आलाती ही है उसी का मुरादिफ है ये अदावात आलाती के मायने में है तो ये समुंदर की तरफ जमीन लौट रही है तो यहां भी उस तजाब कि समंदर के जराए यानी वही वो, वो सब जराए सफर हैं तो हवाओं हवाओं के सामने कैसे सिपर हो जाते हैं और कैसे मुनकाद हो जाते हैं इस तजाबा के मायने भी फरमाबरदार होना जवाब देना और Uh, सरे तस्लीम खम करना मता नादा था जैसे भी हवाएं जब भी पुकारती हैं तो वो फौरन उसकी निदा पर लब्बैक कह देते हैं यानी बस उसके ताबे हो जाते हैं हवा जिधर ले जाती उधर चले जाते हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं दीना मतायुना दीना हम अपने कायद की निदा पर लब्बैक कहते हैं जब भी वो हमको बुलाते हैं वो नुतीहु कैफ युरीदुना वो रुकू बिन नासी असबाजा और जो उन्होंने मुशाहिदा किया बेवस्फी मा रहा मिन ताती आलाती उसी पर जो उन्होंने देखा के लोग सवार होते हैं असबा जहा यह भी गलत है असबा जहू समुंदर की तरफ जमीन लौट रही है हदीस में आया सबाजहा बहर और सब अजुल बहर कहते हैं समुंदर के पेट को मतलब समुंदर के वसत को समुंदर के सीने को मतलब समुंदर की मोजों को तो लोग किस तरीके से समुंदर के सीने पर सवार होते हैं समुंदर की मोजों पर सफर करते हैं सवार होते हैं नहीं। उसमें सफर करते हैं, सबज। उसके वसत के होते हैं। यानी बीच में समुद्र के बीच में कैसे सफर करतेबाज येबाजल बहर है والخوف ومسمعين. अन वाला आंखों के सामने होता है बिमर व मसमायन यानी आंखों के सामने और कानों में भी खौफ की आवाज आती है इसलिए कि मोजे वो भी खाइफ करती हैं तो इसलिए मसमायन आया समुंदर में लोग सफर करते हैं और खौफ उनकी निगाहों से उन, उनकी निगाहों पर में खौफ होता है उनके कानों में भी खौफ होता है यानी उनकी नजरों के सामने होता है बस्माँगीन, बस्माँगीन, मिन यानी है ये तकरीर की और फुला रहे थे और मुझे देख रहे थे

ले लेने और छोड़ देने के दरमियान होता है यानी क्या तो आपकी जान चली जाए या आपको उम्र और दराज कर दी जाए वाल अरवा और इंसानी जाने नजात और हलाकत के दरमियान दायर रहती हैं जब समुंदर का सफर करते हैं तो फिल करू फिल्म जब वो सोचते हैं फायदों के बारे में अलसिब फायदे कमाई के इस तजारत से कितनी कमाई होगी समुंदरों में तजारत करते हैं समुंदरी सफर करके तो हाँ ना अल ही मुल खतर तो उनके लिए खतरा आसान हो जाता है आप भी कह सकते हैं इंसान इज़ा في المنافع والفوائد هانت عليه الاخطار والمصائب التي تصيبه في سبيلها وإذا لاحت لهم غرر المطالب الكثيرة أعجب لاحمني نزرانا جم نكون غرر المطالب الكثيرة يعني مقاصد मकासद मकासद का हसन व जमाल नजर आता है गुर्रा रोशनी को कहते हैं चमक को कहते हैं मकासद की चमक और मकासद की आलाम जब उनके सामने वाज होती है खुबी बल्गर तो हलाकत में कूदना उनको महबूब हो जाता है कि उनको सामने नजर आता है कि इससे हमारे ये मकसद पूरे होंगे غرر غرر کے معنی علامات حسن و جمال پانچ نمبر پہ دیکھ لیجا. غرر بياض من كل شيء اوله ومعظمه طلعته غرر كتن ہیں وعرفت ما قاله بس آج نهي ہی بيجي خط آ, يعني فصيح بليغ और आता है कि बकर खुआ इस खत को महफूज किए हुए थे अपने सीने में और पढ़ते थे लोग ताजुब करते थे तो अच्छी ताबीरत है इसमें लेकिन इसमें प्रिंट की बहुत गलतियां हैं समझिएगा आप आखिर दावादुल्ल रब